चलिए तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, क्या है वो? इसका नाम है लामी थ्योरम, है ना? कौन सा थ्योरम? लामीज थ्योरम, हिंदी में कहते हैं लामी की प्रमेय। किसकी प्रमेय? लामी। इनका नाम क्या था? लामी की प्रमेय, है ना? ठीक है। अब मैंने आपको, आपको याद होगा मैंने चैप्टर वन में आपको मैंने एक फोर्स पढ़ाया था जिसका नाम था संगामी, है ना? कौन सा बल था? संगामी बल, है ना? और समतलीय, ठीक है? संगामी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स और समतली को कहते हैं प्लानर फोर्स। तो लामी की जो प्रमेय है वो किसके लिए है? ऐसे बलों के लिए है जो संगामी है। कैसे हों? संगामी अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉन्करेंट, है ना? संगामी हो प्लस कैसे हों? समतलीय हों, समतलीय हों, ठीक है? क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? प्लानर, प्लानर फोर्सेस। तो लामी की जो प्रमेय है वो इन दो फोर्सेस के लिए है। अगर कोई फोर्स समतलीय भी है और संगामी है तभी हम लामी की प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात समझ में आई बात? क्लियर? लामी की जो प्रमेय है वो इन दो फोर्सेस के लिए है, संगामी और समतलीय, ठीक? ठीक है। अब क्या कहती है लामी की प्रमेय? दूसरी बात, ये जो प्रमेय है वो तीन फोर्स के लिए है। जब तक एक बिंदु पर तीन फोर्स नहीं लगेंगे तब तक हम लामी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है? पहली बात संगामी और समतलीय, दूसरी बात ये किसके लिए थे? तीन बलों के लिए, कम से कम तीन बल, तीन बल के लिए है, तीन बलों के लिए, ठीक है? अगर एक बिंदु पर तीन बल लगेंगे वो कैसे होंगे? संगामी होंगे, मतलब एक ही बिंदु से पास करेंगे तो बिंदु पे लगेंगे, और समतलीय हैं तो क्या होता है? मान लीजिए ऐसा है, एक बिंदु है, इस पे तीन बल लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। मान लेते हैं इसका नाम F1 है, तो इसका नाम F2 है और इसका नाम F3 है। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ठीक है? तो ये लामी की प्रमेय कहती है कि अगर ऐसा है तो जो F1 होगा, F1 समानुपाती किसके होगा? F1 is proportional to बाकी जो फोर्स हैं उनके बीच के एंगल का साइन, है ना? तो बाकी फोर्स कौन से बचे F1 के अलावा? F2 और F3, इनके बीच में एंगल कौन सा है? बीटा, तो साइन बीटा। सिमिलरली इसी प्रकार F2 जो है वो समानुपाती किसके होगा? साइन, जो एंगल बच गया बाकी दो बीच के, ठीक है? सिमिलरली F3 किसके समानुपाती होगा? F3 है, एंगल कौन सा बचा? साइन अल्फा। तो यहां से एक प्रमेय क्या निकल के आ जाती है कि F1 अपॉन साइन बीटा बराबर F2 अपॉन साइन गामा बराबर F3 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं लामी की प्रमेय। अब जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में तीन फोर्स दिख जाएं और ये दिख जाए कि तीनों कैसे हैं, संगामी हैं और समतलीय हैं, तो आप बिना देरी करे क्या लगा देंगे? लामीज थ्योरम, ठीक है? तो लामीज थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं जो कि समतलीय हैं, प्लानर हैं, तो अपन इसकी हेल्प से जो बाकी के फोर्सेस हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बहुत जल्दी से मैं इसके बेस पे देखूंगा एक न्यूमेरिकल इसी के ऊपर, ठीक है? देखिए ये रहा न्यूमेरिकल, बहुत आसान क्वेश्चन है, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं जल्दी से। क्या है? एक 70 न्यूटन का भार, यहाँ पे लिखा होगा का भार, एक 70 न्यूटन का भार 6 मीटर तथा 8 मीटर लंबी डोरियों से लटका हुआ है, ठीक है? कितने न्यूटन का भार है? 70। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? भार, भार को हम लिखते हैं 70 न्यूटन का है, तो W बराबर 70 न्यूटन। ये लटका हुआ है दो डोरियों से जिनकी लंबाई कितनी है? L1 6 मीटर और L2 कितनी है? 8 मीटर। ध्यान देना, ठीक है? जिसके दूसरे सिरे एक ही क्षैतिज रेखा में 10 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से बंधे हैं। देखो अब ये भार लटका हुआ है कितने का? 70 का। बना लेते हैं पहले, ये किससे लटका हुआ है? दो डोरियों से। दो डोरियां हैं, एक है 8 मीटर की, कितने मीटर की? 8 मीटर की, और एक है 6 मीटर की, 6 मीटर।
कहता है कि इन डोरियों के जो दूसरे, एक सिरा तो यहां बांध दिया आपने बाहर से, दूसरे सिरे एक ही क्षैतिज रेखा में, एक ही क्षैतिज रेखा में 10 मीटर लिखा हुआ है, ये 10 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से बंधे हैं। तो एक ही क्षैतिज रेखा में बंधे हैं, है ना, एक ही क्षैतिज रेखा में बंधे हैं, और ये कितना है 6 मीटर, और ये कितना वो बता रहा है 10 मीटर। ठीक है, यहां बांध रखा है आपने इन दो डोरियों को। ठीक है, अब कहता है डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। तनाव बल, तनाव बल को हमेशा अपन कैसे बनाते हैं, बाहर की ओर बनाते हैं, है ना, तनाव बल को कैसे बनाते हैं, हमेशा बाहर की ओर, है ना। तो तनाव अगर दिखाना है तो कैसे बनाते हैं, बाहर की ओर, तो खिंचा हुआ, खिंचाव दिखाते हैं, है ना। तनाव को हमेशा कैसे दिखाते हैं, बाहर की ओर, कि डोरी को खींच रहा है पकड़ के, समझ में आई। अब यहां पे देखो ये दूरी, एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये ट्राइंगल आखिर किस नेचर का है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 64, ये कितना आ रहा है 100। तो अगर आप लगा देंगे इसमें पाइथागोरस तो ये कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जो दिया हुआ है इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, इस 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। इसका मतलब इस डेटा से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या निकालना है, हमें तनाव ज्ञात करना है। मान लेता हूं इसमें तनाव कितना है T1, इसमें तनाव कितना है T1, T1 तनाव है इसमें, और इसमें तनाव कितना है T2। ठीक है, अगर ये 90 है, मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा, है ना। मैं यहां बना के दिखाता हूं, ये है आपका, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो बेटा ये है W, ये है T1 और ये है T2। तो ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, दिखाया ना यहाँ पे। अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, और ये कितना है दोबारा 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 90 प्लस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब देखो लामी लगाने जा रहे हैं हम, तीन बल हैं, तीनों कैसे हैं, एक बिंदु से पास कर रहे हैं और तीनों कैसे हैं समतले। अब बताओ देखो ये कितना है 90, ये कितना है 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कुल कितना होना चाहिए 360, तो ये कितना होगा 360 माइनस दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा 360, तो पूरा हो गया सर्कल, -90 माइनस 90 प्लस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना बचा 180 माइनस थीटा, किताब से मत करना, ऐसे ही जो बता रहा हूं वैसे करना, 180 माइनस थीटा, समझ में आ गई बात। अब मुझे तीनों एंगल मालूम पड़ गए, तो लामी क्या कहता है W बराबर कितना है 70 न्यूटन, बहुत आसान है। तो लामी क्या कहता है कि लामी थ्योरम क्या कहती है, लामी थ्योरम कहती है कि कोई भी फोर्स लो T1, T1 बटे बाकी दो फोर्स कौन से हैं W और T2, इनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर T2 कर लेते हैं, T2 ये है, एंगल कितना है साइन 90 प्लस थीटा बराबर W अपॉन W, इसके बीच में एंगल कितना है साइन 90। ये मैंने कैसे लिखा है T1 बटे साइन अन्य दो जो फोर्स है उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा,
ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डब्लू, जिसकी वैल्यू कितनी है 70। ठीक है, अब इस ट्राइंगल से, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसमें आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा कितना होगा, अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी सी, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा 6/10। और कॉस थीटा कितना होगा, आधार ये हो गया बटे कर्ण, 8/10। तो टी वन कितना आ जाएगा, 70 × sin θ, दैट इज 6/10, तो कितना आ गया 42 न्यूटन। दिख रहा है? ठीक है, इसी से टी टू कितना आ जाएगा, 70 × cos θ, 8/10, तो 8×7 56। याद है आपके आंसर? ठीक, तो ऐसे आप करेंगे।